हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग से, मनी से। ठीक है, मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इट इज द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिसॉल्व। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ विदाउट मनी। इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। मनी जो है हम सभी की जरूरत है, और इकोनॉमिक्स तो जो है हमारा ट्रेडिंग एंड ऑल, जो भी कुछ भी हम खरीदते लेना देना जो भी है सब मनी के ही आज इर्द गिर्द घूमता है। जितनी भी एक्टिविटीज होती है मतलब पूरे वर्ल्ड में बोलिए, वो सब मनी के इर्द गिर्द ही होती है। और वो बहुत ही मतलब मॉडर्न टाइम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी भी है, क्योंकि पहले तो ट्रेडिंग आपको पता है बार्टर सिस्टम्स होती थी, मतलब किसी प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था उस समय। अब ये क्या होता है कि आप मनी के बदले प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब मनी दो और प्रोडक्ट खरीद लो, ये सिस्टम हो गया। अब तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो मैंने आपको बताया कि पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है, चाहे वो आपके लिए कोई सामान हो, चाहे वो किसी कोई वैल्यूएबल चीज हो, कोई स्टोर हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, किसी से काम करवाना हो या कोई सामान खरीदना हो या कोई सेवा पानी हो, कुछ भी हो आप पैसे से ही लेते हैं ना। हॉस्पिटल जाते हैं, बिल तो पे करते हैं पैसे से ही ना। मंदिर जाते हैं, मंदिर में अगर आप दान करते हैं तो किससे दान करते हैं, पैसों से ही करते हैं। कोई सामान खरीदने जाते हैं मॉल में, किससे जाते हैं, पैसों से ही जाते हैं। मतलब कोई भी मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो भी होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, मनी के थ्रू। इट इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये मतलब अब तो एक्सेप्टेड हो गया कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी भी चीज के लिए मनी का यूज किया जाता है। इट इन एन इकोनॉमी दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, देयर कैन नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड हेंस देयर इज नो रूल ऑफ फॉर मनी। अगर किसी इकोनॉमिक में सिर्फ एक ही कोई इंडिविजुअल है तो वहां पे किस चीज का एक्सचेंज होगा, कोई चीज का एक्सचेंज नहीं होगा। इट इज नॉट पेशेबल, इट कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल। फंक्शंस ऑफ मनी। द फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज अंडर टू हेड्स, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी। दो टाइप के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के लिए मनी का यूज हो जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। और किसी भी कमोडिटी या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बताना उसका पैसे के लिए मतलब मेजर करके बताता है कि वो कितने पैसे का हो सकता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, तो एक्सचेंज में उसके बदले हम पैसा ही देते हैं ना, तो वही हुआ। मनी ऑल्सो एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट पे चार टू बी मेड इन द फ्यूचर्स, फ्यूचर्स के लिए भी यूज होते हैं। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये हम सबको पता है। The value of goods and services can be expressed in monetary units. Yes, barter system देखते हैं। Barter exchange refers to exchange of goods and goods for goods. जो मैंने आपको बताया कि पहले जो जब आज से like 7th century, 8th century, 9th century इस टाइम पे क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज होता था, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। मतलब अब तो गुड्स के बदले पैसे का एक्सचेंज होता है, पर तब ऐसा नहीं होता था। An economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economic or C2C economic. A barter system has other deficiency. It is difficult to carry forward one wealth under the barter system. इसकी एक drawback भी थी कि ये आगे carry forward नहीं हो पाता था। Barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other goods. और बार्टर सिस्टम तभी वर्क करता था जब दोनों जो पार्टी है ना, दोनों एक्सचेंज के लिए रेडी रहते थे। सेलर
इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मेडिएशन मेडिएशन ऑफ मनी आर रिफर्ड टू एज अ बार्टर एक्सचेंज, बिना किसी मनी के एक्सचेंज के अगर कोई इकोनॉमिक एक्सचेंज होती थी तो उसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। आगे देखते हैं कैशलेस इकोनॉमी। सम कंट्रीज हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मूव टूवर्ड्स एन इकोनॉमिक विच यूज लेस ऑफ कैश एंड मोर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। कैशलेस मतलब आज के टाइम की जो बात कर रहे हैं हम, अब आप देखते हैं कि हम बिना पैसे लिए भी घर से निकल जाते हैं, कैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे अकाउंट से गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, कोई भी ऐप जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसे ही हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कहते हैं, जिसमें हम कैश हाथ में नहीं रखते हैं, बस वो कैश कैसे ट्रांसफर होता है बाय अकाउंट। A cashless society describes an economic state whereby financial transactions are not connected with money in the form of physical banknotes or coins, but rather through the transfer of digital information between the transacting parties. मतलब अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ना आपने किसी को कैश में पैसे दिए फिजिकल नोट दिया, ना उसने फिजिकल नोट लिया कॉइन्स ली, तो वो क्या हुआ डिजिटल ट्रांजेक्शन, कैशलेस मनी, कैशलेस इकोनॉमिक। फिर आगे देखते हैं रिफर्स रिलेटेड टू कैशलेस इकोनॉमिक में। इन इंडिया गवर्नमेंट हैज बीन कंसेंटली इन्वेस्टिंग इन वेरियस रिफॉर्म्स फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल इनकल्शन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। इनिशिएटिव सच एज जनधन अकाउंट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ई वॉलेट, नेशनल फाइनेंशियल, इसी को और बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है ना उसने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए, जनधन अकाउंट्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ई वॉलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस एंड अदर, दे हैव स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट रिजोल्व टू गो कैशलेस। और इसने सरकार को मतलब और मजबूत किया है विदाउट कैशलेस, ठीक है, मतलब बिना कैश के भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। Today, financial inclusion is seen as a realistic dream because of mobile and smartphone penetration across the country. और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा स्मार्टफोन्स का है और नेट इंटरनेट का है, इन दोनों की वजह से हम आज की ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। किसी ने आज से 10 साल पहले ये सोचा था कि मान लीजिए, मतलब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं कॉलेज में थी 2010-2013-15 की, तो उस समय गूगल पे नहीं यूज होता था, तब हमको कैश लेके ही घूमना पड़ता था, विदाउट कैश हमारा काम चल नहीं सकता था। अब आज 10 साल बाद ऐसा टाइम आ गया है कि आपको कैश लेने की जरूरत नहीं, आपका फोन अगर आपके हाथ में है तो आपका पर्स आपके पास है। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। डिमांड फॉर मनी, The demand for money tells us what makes people desire a certain amount of money. A rise in income will lead to rise in demand for money. Income बढ़ने से demand for money भी बढ़ती है, और demand for money में जो मतलब हम खुद जनता जो है, हमारी जो desire है और amount की, वो money की, वो हमारी demand of money है। Higher interest rate means money demand comes down. अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है तो मनी डिमांड जो है वो गिरी हुई है, ये समझ में आता है।